खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना के कोरोहम के बीच जोधपुर से राहत की खबर है। कोरोना काल में इस जिले में 21 मौतें हुई हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी मौत कोरोना के चलते नहीं हुई, बल्कि जितने भी लोगों की मौत हुई वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। ये दावा है मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जी एल मीणा का, जिन्होंने अपनी टीम के साथ एक एक पहलू और तथ्य के अध्ययन के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में ये जानकारी दी। डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने लॉकडाउन के चलते लंबे समय बाद अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। प्रदेश सरकार से मिली छूट और रियायत के बाद विधायक पहली बार लोगों से रूबरू हुए और जन समस्याएं सुनी, जिसके बाद अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक के सामने सबसे ज्यादा पेयजल की समस्याओं को लेकर आमजन ने अपनी मांग रखी, तो वहीं कुछ लोगों ने रमजान में की जा रही विद्युत कटौती की समस्या को भी सामने रखा। इस दौरान सुपका गांव में मनरेगा में चल रही गड़बड़ी को लेकर भी विधायक को अवगत कराया गया। नागौर के डीडवाना में बाहरी प्रदेशों से मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। औरंगाबाद से छापर जा रहा एक जत्था बाइक से डीडवाना पहुंचा, जत्थे में 24 बाइक पर 48 मजदूर पहुंचे। बाइक सवारों ने बताया कि ट्रेन और बस की सुविधा नहीं होने के चलते उन्हें मजबूरन बाइक से जाना पड़ रहा है। प्रवासियों ने बताया कि उन्हें चूरू के छपरा जाना है, जहां से वो स्वास्थ्य जांच करवाकर खुद को क्वारंटीन करेंगे। लॉकडाउन के बीच कोटा में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला अनंतपुरा थाना इलाके का है, जहां शातिर चोर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ही घंटे में बाइक मिल गई और बाइक चोर भी पकड़ा गया। श्रीगंगानगर से उत्तर प्रदेश के देवरिया तक जाने वाली विशेष ट्रेन में 1434 श्रमिकों को रवाना किया गया। कलेक्टर शिवप्रकाश मदन नकाते ने बताया कि 1196 श्रमिकों को हनुमानगढ़, 138 श्रमिकों को चूरू और 100 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के लिए रवानगी दी गई। नागौर के डीडवाना में लॉकडाउन के बीच कई भामाशाह और समाजसेवी गायों की सेवा के लिए आगे आए हैं। आवारा गोवंशों के लिए जगह जगह हरे चारे और सूखे चारे की व्यवस्था की गई। कस्बे के टीबा के पास निवासी विकास माली और बाबूलाल माली भाटीवास ने गायों के लिए हरियाणा से हरे चारे का ट्रक मंगवाकर भेंट किया। विकास माली की तरफ से पिछले एक महीने से पशु पक्षियों के लिए हर दिन पानी के टैंकर की व्यवस्था की जा रही है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाली ट्रेन की यात्रियों को रास्ते के लिए सूखा राशन वितरित किया गया, जिसमें चने, बिस्किट, नमकीन, मूंगफली आदि खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए गए। आपको बता दें कि इस नए काम में 11 संगठन और यूनियन के वॉलेंटियर्स शामिल। बाबा रामदेव का एक भक्त 600 किलोमीटर का सफर कनक दंडवत करते हुए 120 दिन में पूरा कर रामदेवरा पहुंचा। इस भक्त ने रामदेवरा पहुंचकर लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। सवाईमाधोपुर के गढ़ अमरावरा गांव की बबलूलाल बैरवा ने यह सफर 20 जनवरी को शुरू किया था और हर दिन 5 किलोमीटर कनक दंडवत यात्रा करते हुए आखिरकार वो रामदेवरा पहुंचा है। बबलूलाल किसी असाध्य रोग से ग्रसित था और उसके ठीक होने के बाद से बाबा के दर्शन की मन्नत की थी। कोरोना महामारी से उत्पन्न संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सचिवालय परिसर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पैडल हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी ने मशीन का उद्घाटन किया। उन्होंने इन्हें अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों के आने वाले पत्रकारों के लिए बेहद उपयोगी और जरूरी बताया। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक राजपाल सिंह यादव, वित्तीय सलाहकार सुभाष दानोदिया सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कानोता से मजदूरों को रवाना किया गया। एसडीएम रामकुमार वर्मा ने यूपी और एमपी के सभी मजदूरों को रवाना किया। कानोता शेल्टर होम से प्रवासी मजदूरों को भेजने का लगातार सिलसिला जारी। संभागीय आयुक्त केसी वर्मा के दौरे के बाद व्यवस्थाओं में सुधार आया। नायब तहसीलदार शिव दयाल शर्मा ने बताया कि 420 प्रवासी मजदूरों को 10 बसों से यूपी के लिए रवाना किया गया। गौ तस्करी पर अलवर की ततारपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने ततारपुर बांसुर मार्ग से गौवंश से भरी 3 पिकअप को जब्त किया, साथ ही 17 गौवंश मुक्त कराए और 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में खूनी संघर्ष हो गया है। नाथवाली में कुल्हाड़ी के वार से युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर के गसिंगपुर में 9 मजदूरों की फूड पॉइजनिंग से हालत बिगड़ गई है। सभी वार्ड संख्या 11-12 के बताए गए, इनमें एक 4 साल की बच्ची भी शामिल है। छाछ पीने के बाद से इन लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। वही मजदूरों की हालत बिगड़ती देख सभी को राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इनका इलाज किया गया। डॉक्टर विवेक जियाना के मुताबिक पहली नजर में खट्टे भोजन के साथ छाछ के सेवन से इनकी तबीयत बिगड़ी। होली के कापरेन में
बाजडनी लिंक सड़क पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार चार लोग घायल हो गए। सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को कापरेन राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बूंदी रेफर कर दिया गया। चरडाना निवासी घनश्याम अर्जुन अपने गांव जा रहे थे, इसी दौरान सामने आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। जैसलमेर के फलसूंड इलाके की राजमथाई गांव में एक बुजुर्ग महिला के साथ एक पुरुष और दो महिलाओं ने मारपीट की, जिससे वो घायल हो गई और उसका फलसूंड अस्पताल में इलाज करवाया गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लॉकडाउन में सभी धंधे मंदे हो गए, ऐसे में प्रतापगढ़ के मशहूर आम पापड़ की बिक्री पर भी इसका असर पड़ा है। कुछ लोगों ने तो कोरोना संक्रमण के डर से आम पापड़ बनाने से इस बार अपने हाथ ही खींच लिए हैं। ऐसे आम पापड़ निर्माताओं ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की। कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों के कारण जिला प्रशासन ने शहर के करीब 11 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया है, जो 22 मई तक जारी रहेगा। पर कोटा में गत 6 अप्रैल से लगातार कर्फ्यू जारी। 12 में सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं और अभी भी सड़कों पर कई मजदूर पैदल नजर आते हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भी 3 मजदूर गुजरात के राजकोट से उत्तर प्रदेश के चंदौली के लिए पैदल ही जाते दिखे। इन मजदूरों को ना तो किसी ने रास्ते में रोका और ना ही इन्हें वाहन की व्यवस्था के लिए कहा गया। मजदूर 6 दिन पहले ही राजकोट से निकले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक जिम्मेदार अधिकारी सरकार की कोशिशों को साकार कर पाते। धौलपुर जिले के सपाऊ में बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। हथियारों से लैस बदमाशों ने परिजनों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया और करीब 1 लाख कैश और 10 तोला के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। प्रवासी भारतीयों के विदेश से जैसलमेर लौटने के बाद वहां उन्हें क्वारंटाइन किए जाने के लिए चिन्हित की गई होटल्स के संचालकों की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने प्रवासी भारतीयों के लिए होटल में की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं सहित आतिथ्य व्यवहार का आह्वान भी किया। जिला कलेक्टर ने सुरक्षा मानकों के प्रयोग सहित जरूरी हिदायतों की जानकारी दी। इस दौरान नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव, सहायक निदेशक भारत भूषण गोयल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के विसांगन में महाराष्ट्र से लौटे प्रवासियों को बस स्टैंड चौराहे पर रोककर जांच की गई। मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग करके उनको घर के लिए रवाना किया गया। सभी प्रवासियों को होम आइसोलेट करने के निर्देश दिए गए। जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में कर्फ्यू के हालात के बीच ड्यूटी देने वाली पुलिस इंस्पेक्टर निशा भटनागर की परदादा, दादा और पिता भी पुलिस में रहते हैं और अब चौथी पीढ़ी के रूप में वो खुद भी पुलिस सेवा में है। निशा अपने बेटे को भी आरपीएस अधिकारी बनाने की मशक्कत में जुटी हुई। श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ से जुड़े वरिष्ठ श्रमिक नेता रामनाथ सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में डंडे से मारने वाले हेड कांस्टेबल समुद्र सिंह राजपुरोहित को निलंबित कर दिया गया। पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया द्वारा डीजीपी भूपेंद्र यादव को पत्र लिखने के बाद पुलिस हरकत में आई और एसपी राहुल कोटकी की प्राथमिक पड़ताल के बाद मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई। वहीं न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दें कि 12 मई को वेतन को लेकर मिल प्रशासन और मजदूरों के बीच वार्ता के दौरान ये घटना घटी थी। राजस्थान मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संघ के प्रदेश मंत्री रवि सोनी ने मुख्यमंत्री के नाम पोकरण एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश भर में स्वर्णकार समाज की दुकानें खोलने की मांग की गई। जिसमें बताया गया कि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस सहित सभी नियमों की पालना करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर नगर पालिका के सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाईकर्मियों ने रायसिंहनगर थाना प्रभारी किशन सिंह पर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बाबूलाल कांडा ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर पालिका की जेसीबी लेकर जा रहे ड्राइवर विनोद कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके साथ मारपीट। ऐसे में सफाई कर्मियों ने काम नहीं करने का ऐलान किया है, साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। धौलपुर जिले में अवैध चंबल बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की और 3 ट्रैक्टर जब्त किए, साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया। देशभर में जहां लॉकडाउन 4.0 के तहत व्यापारियों और आमजन को थोड़ी राहत मिली, तो वहीं जोधपुर में भी रेड जोन इलाकों को छोड़कर सभी जगह दुकानें खुली हुई नजर आ रही। हालांकि दुकानदारों की तरफ से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बीकानेर से दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन से बिहार के गया के लिए रवाना हुई। ट्रेन में करीब 1500 श्रमिक बीकानेर से अपने घरों के लिए रवाना हुए।
रवानगी से पहले रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई, इसके साथ ही फूड पैकेट्स आदि की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। दक्षिण भारत से दो विशेष श्रमिक ट्रेन जालौर पहुंची, इनमें 1650 श्रमिक जालौर पहुंचे। मारवाड़ आने पर श्रमिकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। नागौर जिले में बाहरी राज्यों के निवासियों को घर पहुंचाने का जन कल्याणकारी अभियान जारी है, और इसी कड़ी में जिले भर से पश्चिम बंगाल की 1199 लोगों को जिला प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन से दुर्गापुर जंक्शन के लिए रवाना किया। ट्रेन की रवानगी के वक्त जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लंबी दूरी की यात्रा होने के कारण श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस का जाब्ता भी ट्रेन में मौजूद रहा। कोटा की घोड़ा बस्ती के एक मकान में सिलेंडर लीकेज होने से भीषण आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक मकान कैटरिंग का काम करने वाले विमल का है, और खाना बनाते वक्त सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। वहीं कच्चा मकान होने से आग फैलते हुए पास के कच्चे मकान में पहुंच गई, जिससे दूसरे मकान के सामान भी जलकर खाक हो गए। कोरोना संकट में लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का जिम्मा उपभोक्ता भंडार ने ले लिया है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए लगाई गई गाड़ियों के भुगतान को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते गाड़ी मालिकों ने राशन सामग्री पहुंचाने के काम का बहिष्कार किया। श्रीगंगानगर में खट्टी छाछ पीने से गसिंगपुर के 9 धानक मजदूरों की हालत बिगड़ गई। लॉकडाउन के चलते रमजान के महीने में परकोटा के रामगंज बाजार में रौनक गायब है। कोरोना के कारण लगे कर्फ्यू के चलते इन दिनों इस क्षेत्र में अब सन्नाटा पसरा हुआ। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रही स्टैंडिंग वारंटी को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मीणा कॉलोनी दिवाकरी में स्थित उसके घर से आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी में मजदूर महिलाएं रोजी रोटी की किल्लत के चलते मनरेगा में काम करने पहुंची, लेकिन वहां भी दबंगों ने सरकारी जमीन पर कार्य शुरू नहीं करने दिया गया, जिसके चलते महिला 4 घंटे तक धरने पर बैठी रही। पशुपालन विभाग के निर्देश पर प्रदेश की खुरपका मुंहपका उन्मूलन अभियान के 10वें चरण के तहत दुधारू पशुओं को टीकाकरण किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मार्च अप्रैल में शुरू होने वाला यह अभियान अभी भी शुरू नहीं हो पाया। झालावाड़ में झालरापाटन खिदमती खल्क सोसाइटी मुकेरी मोहल्ला निरंतर जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण कर रहा है। राजसमंद के भीम में स्थित बालिका छात्रावास क्वारंटीन सेंटर का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें क्वारंटीन प्रवासी अपनी समस्या बताते नजर आ रहे हैं। प्रवासी यहां समय पर खाना नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में विभिन्न संगठनों ने अपनी तमाम समस्याओं के चलते विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द मांग पूरा करने की मांग की। चूरू में कोरोना से बचाव के मद्देनजर गीत के जरिए लोगों को जागरूक करने पर विधायक अभिनेश महर्षि ने गायक तुलसीराम पांडे का सम्मान किया। 12 प्रशासन पैदल चल रहे मजदूरों के लिए व्यवस्था कराने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। गुजरात के राजकोट से यूपी के चंदौली पैदल जा रहे मजदूर अब हार थक कर शहर के 12 चौराहे पर बैठे नजर आए और लॉकडाउन में खुद को अकेला और बेबस पाया गया। नागौर में बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन जिलेभर में निगरानी कर रहा है, और इसी क्रम में पुलिस ने पादुकला क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना को लेकर फ्लैग मार्च किया। अलवर में आबकारी थाना के हड़ताल टीम ने खरेटा गांव से 15 लीटर अवैध हथकड़ शराब की को जब्त करने के साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना के चलते प्रदेश में आमजन की सामने आ रही तमाम परेशानियों को दूर करने की मांग की गई। अलवर के पहल गांव में स्काउट गाइड संघ मुंडावर ने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए। ये परिंडे संघ के सचिव महेंद्र सिंह चौहान और यूनिट लीडर दीनदयाल के नेतृत्व में लगाए गए। अलवर में देर रात 49 यात्री बस में सवार होकर सोडावास चेक पोस्ट पर पहुंचे, इसके बाद सभी को होम क्वारंटीन किया गया और जांच के लिए सैंपल लिए गए। अलवर के मुंडावर में करीब 1 साल से चल रही पेयजल समस्या को लेकर कस्बे वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, यहां आमजन को पानी मोल खरीदना पड़ रहा है। अलवर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश गुर्जर का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने विभिन्न राजकीय कार्यालयों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया। आहोर विकास अधिकारी सांवलाराम चौधरी ने भैंसवाड़ा आईपुरा और सराना गांव में संचालित मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। चौधरी ने श्रमिकों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही।
बूंदी के खेराड़ क्षेत्र में अचानक टिड्डी दल के प्रवेश होने से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जहां तकरीबन 500 मीटर क्षेत्र में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी। चुरू में टिड्डी दलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सरदार शहर के कई गांव में टिड्डी दलों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। झुंझुनू के सुल्ताना में भी टिड्डी दलों ने दस्तक दे दी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं टिड्डी दल का जसरारपुर में पड़ाव होने का अनुमान है। श्री विजयनगर तहसील रोड पर बने नाले में गोधे के गिरने से मौत हो गई। पालिका प्रशासन ने जेसीबी के जरिए आवारा गोवंश को नाले से बाहर निकाला। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने 100 पेटियां अवैध शराब से भरी पिकअप को जब्त किया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बोली थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में आबकारी दल ने कार्रवाई करते हुए करीब 4000 लीटर गोश्त नष्ट किया और 125 लीटर हथकड़ शराब जब्त करते हुए दो जगह अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। कोरोना महामारी के दौरान नियमित सेवाएं दे रहे पत्रकारों को नगर पालिका विजयनगर ने सम्मानित किया। बांसवाड़ा प्रशासन ने श्रमिक स्पेशल बसों का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन ने कुशलबाग मैदान से 3 श्रमिक स्पेशल बसें उदयपुर के लिए रवाना की, जहां 60 से ज्यादा मजदूरों को यूपी भेजा जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद उपखंड में टिड्डी दल के हमले के बाद किसानों को मूंग फसल खराबे की चिंता सताने लगी। चुरू में भारतीय किसान संघ की तरफ से 50 परिवारों को 25-25 किलो गेहूं वितरित किया गया। महेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें मजदूरों के पास अनाज की किल्लत होने की सूचना मिली थी। सिरोही के रेवदर में दांतराई गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गांव को सील कर सभी रास्ते बंद कर दिए। श्री विजयनगर उपखंड प्रशासन ने 57 श्रमिकों को जिला मुख्यालय भेजा, जहां श्रमिकों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए। सभी श्रमिकों को प्रशासन ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्य भेजा है। सीकर में पिछले 5 दिनों से पॉजिटिव मामले बढ़ते देखे जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन काफी सतर्क हो गया। लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को अलवर के खैरथल से झारखंड रवाना किया गया। किशनगढ़बास तहसीलदार ने 54 मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद बसों में बैठाकर घरों के लिए रवाना किया। डेगाने के लियोनियास में पॉजिटिव मिले मरीजों की देर रात SMS अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक मृतक के गाँव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड से श्रमिकों की 5 बसें रवाना हो गई। इनमें से 4 बसों में यूपी के 133 श्रमिक और 1 बस में उत्तराखंड के 37 श्रमिकों को रवाना किया गया। मनोहर थाना क्षेत्र के एक गांव में ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट करने को लेकर विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया। नागौर जिला खांडल विप्र संगठन ने कर्मवीर एम्बुलेंस चालक शमशेर खान को सम्मानित किया और हौसला अफजाई भी की, ताकि कोरोना संकट में अन्य सभी कर्मवीरों का हौसला बढ़ाया जा सके। झालरापाटन के एक अस्पताल में महिला सफाई कर्मचारी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसके बच्चे का ध्यान रखने की बात कही गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर के सरदारपुरा में सत्संग भवन के पास एक पेड़ अचानक भरभराकर गिर गया। अचानक पेड़ गिरने से एक कार पेड़ के नीचे दब गई और कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के पीपलदा कस्बे में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। यहां मनरेगा श्रमिकों के लिए छाया, पानी और मेडिकल जैसी जरूरी इंतजाम नहीं किए। श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र में टिड्डियों के बड़े दल ने कपोल नरमी की फसल को चट कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार टिड्डी दल हमला कर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। झालरापाटन में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रशासन और केयर फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को जागरूक किया है। लॉकडाउन के चलते बांसवाड़ा में बुरे हालात से गुजर रही बैंड और घोड़ा संचालकों ने घाटोल तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द ही आर्थिक मदद की मांग की गई। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में शिक्षकों के पक्ष में ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनके ऊपर लगे मुकदमों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने सहित अन्य कई मांग की गई। चुरू के सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा संचालित जनता रसोई के SDM ने औचक निरीक्षण किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। प्रतापगढ़ में अफीम काश्तकारों के लिए नारकोटिक्स विभाग की तरफ से शिविर लगाया गया। 13वें दिन जारी रहे इस शिविर में 2643 किसानों की अफीम तोली जा चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।